इन्नी छोटी उम्र दे विच ही गुरु साहिब बहुत बहादुर ते निडर सन। जिवें गुरु नानक साहिब ने बाबर नूं जाबर कहा सी, इसे तरह गुरु साहिब ने औरंगजेब वर्गे शक्तिवान शहनशाह ए हिंद नूं मूंह लाउण तों इनकार कर दिता सी। इन्नी दलेरी सी छोटी जी उम्र दे गुरु साहिब दे विच। कृष्ण ध्याई है जिस डिठै सब दुख जाए। जदों भी गुरसिख अकाल पुरख के चरणों में अरजोई करता है, अरदास करता है, तो इन्हां शब्दों का उच्चारण करता होया गुरु हरकृष्ण साहिब जी नूं बड़ी ही प्यार श्रद्धा ते सतिकार दे नाल अकीदत पेश करता है। ये जिहड़े अरदास दे बोल आ, एक गुरु हरकृष्ण साहिब जी नूं याद करन, उन्हां नूं ध्यान की प्रेरणा देंदे ने, क्योंकि उन्हां नूं याद करन दे नाल समुची मनुखता दे सब तरह के दुख दूर होंदे ने। गुरु हरकृष्ण साहिब जी जो कि सिखां दे अठवें गुरु आ, उन्हां नूं बाल गुरु ते बाला प्रीतम दे नाम नाल भी जाणिया जांदा है। सिख धर्म दे पहले अजिहे गुरु ने इको एक जिहड़े सब तो छोटी उम्र दे विच जिन्हां ने गुरगता गद्दी प्राप्त कर लई सी। छोटी उम्र दे विच 5 साल की उम्र दे विच ही वह गुरता गद्दी ते बैठ गए सन, ते 8 साल की उम्र दे विच वह ज्योति जोत भी समा गए सन। इतिहास दे वल नज़र मारीे तो एक पासे गुरु हर राय साहिब जी का यह हुक्म सी कि जेकर कोई उन्होंने पुत्र राम राय दे मथे लगेगा तो वह सिख नहीं होगा, तो दूजे पासे जो गुरु हरकृष्ण साहिब जी के दर्शन करेगा, उन्होंने याद करेगा, उन्होंने सारे दुखों की निवृत्ति होगी, दुखों का नाश होगा। क्योंकि जिहड़ा राम राय सी उन्हें औरंगजेब की खुशामद करके वह नीवा हो गया सी, ते गुरु हरकृष्ण साहिब जी अकाल पुरख की महिमा गा के उस्तत गा के गुणगान करके उच्चे ते आ पहुँच हो गए सन। जिहड़ी साखी है राम राय ते औरंगजेब वाली, वह सब नूं पता है कि औरंगजेब नूं खुश करन दे वास्ते राम राय ने गुरबाणी की एक तुक नूं बदल दिता सी, ते गुरु हर राय साहिब जी का हुक्म सी कि राम राय ने गुरबाणी का सतिकार नहीं किया, ते उदे कोई भी मत्थे हुण नहीं लगेगा, ते ना ही वह गुरु साहिब दे मत्थे लगेगा। ते दूजे पासे गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने बचपन तो ही अपने आप नूं हंकार तो मुक्त निरभउ ते निरवैर साबित किया। गुरु दरबार नूं लै दे विच अपने आप नूं उन्होंने समर्पण किया, पूरी सेवा भावना दे नाल उन्होंने जिन्ने भी आ सेवा भलाई दे मनुखता दे वास्ते कार्ज किए बचपन तो ही, क्योंकि 5 साल की उम्र तो ही तो उन्होंने गुरता गद्दी प्राप्त कर ली सी। इन्नी छोटी उम्र दे विच ही गुरु साहिब बहुत बहादुर ते निडर सन। जिवें गुरु नानक साहिब ने बाबर नूं जाबर कहा सी, इसे तरह गुरु साहिब ने औरंगजेब वर्गे शक्तिवान शहनशाह ए हिंद नूं मूंह लाउण तों इनकार कर दिता सी। इन्नी दलेरी सी छोटी जी उम्र दे गुरु साहिब दे विच। दरअसल अपने भरा की वध रही वड्याई नूं देख के राम राय ईरखा दे विच सड़ रहा सी, ते उन्हें अपने छोटे भरा का विरोध करना शुरू कर दिता। औरंगजेब दे अगे जाके उन्हें फरियाद की कि गुरता गद्दी उत्ते उसका हक आ, क्योंकि वह वड्डा आ, तो पिता जी वो धक्का कर रहे हैं। उन्हें औरंगजेब नूं कहा कि मैं तुहाडा वफादार हाँ, जेकर तुसी इह गुरता गद्दी मैनू दवा देवो, क्योंकि इहदे उत्ते मेरा हक आ, तो मैं तुहाडा जिंदगी भर वफादार तो है ही ऋणी रहांगा, शुक्र गुजार रहांगा। तो अगे औरंगजेब किहड़ा घट चलाक सी, उन्हें भी सोचा कि जेकर मेरे वफादार नूं गुरता गद्दी मिल जाती है तो मेरे वास्ते बहुत आसान हो जाएगा, बाकी जिन्हें भी सिख आ उन्हां दा धर्म परिवर्तन करना करन दा राह मेरे वास्ते आसान हो जाएगा। तो औरंगजेब ने की किया कि शाही हुक्म भेजा गुरु साहिब नूं कि दिल्ली दरबार आके उन्हां दे अगे हाजिर होया जाए, उन्हां दे नाल विचार वटांदरा किया जाए। पर गुरु साहिब ने, गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने जिहड़ा राम राय की शिकायत ते औरंगजेब ने दिल्ली दरबार दे विच भेजण दा सद्दा दिता सी, गुरु साहिब ने उस तों साफ इनकार कर दिता कि वह दिल्ली दरबार नहीं जाणगे, वह औरंगजेब दे मूँह मत्थे नहीं लगणगे। पर जदों दिल्ली दे विच राजा जय सिंह दे उन्होंने जदों दिल्ली दियां संगतां दे वल्लों गुरु साहिब नूं ये बेनती भेजी कि वह दिल्ली दे विच आके चरण पाउण ते संगतां नूं निहाल करन, तां गुरु साहिब दिल्ली दे विच जरूर पहुँचे सी। दिल्ली विच जांदिआं रस्ते विच उन्होंने जिथे पड़ा किया, जिथे वह रुके सन, पंजोखरे की धरती ते, इत्थे गुरु साहिब ने एक पंडित दे हंकार नूं तोड़िया सी। दरअसल एक हंकारी पंडित लाल चंद गुरु साहिब दे कोल आया ते कहन लगा कि नाम तां तुसीं हरकृष्ण रख्या है,
पर गीता का तुहानू कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं है। कृष्ण जी ने तो गीता की रचना की सी, तुसी गीता दे अर्थ करके ही दिखा देवो, मैं तुहानू मान जावांगा। तो गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने उस पंडित नू कहा कि नगर के किसी भी अपनी पसंद के बंदे नू बुला लै जिदे जिहड़ा कि तैनू अर्थ करके दिखावेगा गीता दे। ता उस हंकारी पंडित ने अपने नगर दे एक छज्जू नामी सधारण अनपढ़ जिहे बंदे नू बुला लिया। गुरु साहिब ने उहदे सिर उत्ते छड़ी रखी ते उसने बड़े ही विवेक बुद्धि दे सहत पूरी गीता दे अर्थ करके सुनाए। सारियां संगतां नू इत्थों तक कि उस हंकारी पंडित नू भी हैरान कर दिता। इस तरह गुरु साहिब ने उस हंकारी पंडित दा हंकार तोड़िया, पंजोखरे दियां संगतां नू निहाल कीता, नाम जस दे लड़ लै ते इस तों अगे उह दिल्ली वल चल पए। दिल्ली विच पुज के गुरु साहिब जिथे अजकल गुरुद्वारा बंगला साहिब सुशोभित है, इस जगह उत्ते ओ रुके। दरअसल इस जगह उत्ते राजा जय सिंह दा बंगला सी। राजा जय सिंह दे बंगले विच गुरु साहिब ठहरे सन। इत्थे रोज़ ही नित ही दिल्ली दियां संगतां गुरु साहिब दे दर्शनां वास्ते आउंदियां सी, सतसंग हुंदा सी। ते जिहड़ा राजा जय सिंह सी गुरु साहिब दा पक्का सिख श्रद्धालू सी, ते जो कि नित निजी तौर उत्ते गुरु साहिब की सेवा वास्ते हाजिर रहिंदा सी। एक दिन उस राजे की राणी ने यह तांग प्रगट की कि वह गुरु साहिब के दर्शन करना चाहती है, तो उस राजे ने गुरु साहिब नूं अपने महलों के विच बुलाया। राणी ने गुरु साहिब की दिव्य दृष्टि नूं परखण दे वास्ते की कीता कि उन्हें आप गोलियां वाले कपड़े पा लए ते उन्हां दे विचकार बैठ गई, दासियां दे विचकार बैठ गई कि गुरु साहिब राणी नूं पहचान पाउंदे ने जां फिर नहीं। गुरु साहिब ने अपनी छड़ी राणी दे सिर ते रखी, बड़ी गौह दे नाल उहदे चेहरे वल देखिया ते कहा यह है पटराणी। इस तरह जदों गुरु साहिब दिल्ली विच सन उस वेले उत्थे भयानक हैजे ते चेचक दी बीमारी फैल गई। इस वेले भी गुरु साहिब ने बड़ी ही सेवा भावना दे नाल जिन्हें लोग सीगे जिन्हें रोगी सी उन्हां दी सेवा कीती, रोगियां दे घर जाके भी अपने हाथी उन्होंने दुखियां दे दुख दूर किते, उन्हां दी सेवा कीती बिना किसी भेदभाव तो, बिना किसी जात पात तो। जदों गुरु साहिब दिल्ली विच मौजूद सन तां इस वेले दिल्ली दे विच भयानक हैजे ते चेचक दी बीमारी फैली हुई सी। इस वेले भी गुरु साहिब ने रोगियां दी तन मन दे नाल सेवा कीती, खुद रोगियां दे घरां विच जाके उन्हां दी सेवा कीती अपने हाथीं ते दुखियां दे दुख दूर कीते। कहा जांदा है कि इस वेले गुरु साहिब नूं इन्नी दिनी तेज़ बुखार होया ते अंत 8 साल की उम्र पूरी होण तों पहलां ही वह 1664 ईस्वी दे विच दिल्ली विच ही ज्योति जोत समा गए। जांदे जांदे एक होर जरूरी जिहड़ी जानकारी तुहानू दस दईए कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने ज्योति जोत समाउण तो पहला संगतां नू गुरियाई बारे जिहड़ा हुक्म दिता सी, उन्हां कहा सी बाबा बकाले, जिहदा अर्थ सी कि अगला गुरु पिंड बकाले दे विच है। गुरु तेग बहादुर साहिब जी जिहड़े कि उन्हां तो बाद विच गुरु होए ने, जो कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी दे बाबा जी लगदे सन ते उह सी पिंड बकाले दे विच, तां उन्हां ने कहा सी कि बाबा बकाले। सो गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने बिना किसी जात पात वितकरे भेदभाव छूतछात अमीरी गरीबी तो सरबत दे भले वास्ते काम किया, मनुखता वास्ते भलाई दे कार्ज किते। सो उन्हां दे जीवन तो उन्हां दी सेवा भावना भगती दे संकल्प नूं अपने जीवन दे विच उतार के असीं वी इक अजिहे समाज की सिरजना कर सकते हाँ जिहदे विच घृणा नफरत सौड़ी मानसिकता हंकार इन्हां चीज़ां दा इन्हां बुराइयां दा त्याग करके सरबत दे भले वास्ते काम किया जा सके, कौम नूं इकट्ठियां किया जा सके, भाईचारा बनाया रख्या जा सके। ते आओ असीं भी सिख कौम दे सब तो छोटी उम्र दे गुरु साहिब उन्हां दे प्रकाश पुरब दिहाड़े नूं मनाउंदे होए उन्हां दे जीवन तों कोई प्रेरणा लईए, मनुखता दे भले वास्ते कोई काम करिए, कौम दे भले वास्ते कोई अपना योगदान पाइए।